हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सबाना नासरीन। अभी हम जा रहे हैं फेशियल करने के लिए बकरा ईद के लिए, क्योंकि आपको पता है अभी जल्दी ही आप लोग को दिखाना पड़ेगा क्योंकि बकरी बहुत नज़दीक है। इसीलिए तो मैंने क्या क्या चीज़ ली हुई है वो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो यहाँ पे देखिए, ये है फेशियल किट, बैन, ब्लैकहेड रिमूवर पिन, एक बाउल में पानी, और ये दोनों ले लिया है, और एक मैंने एप्रोन लिया है जो मैं खुद लगाऊंगी। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक का बोरा बिछाया है, क्योंकि ना क्या बोलते हैं कि बिस्तर भीगे ना, क्योंकि मैं बिस्तर पे बना रही हूँ ना वीडियो, तो बिस्तर भीगे ना, इसके लिए मैंने प्लास्टिक का एक बोरा लगा दिया है। सो अभी ज़्यादा देर ना करते हुए मैं एप्रोन भी, बैन भी और एप्रोन भी दोनों ही लगा लूँगी। मैं हमेशा इसी तरीके से लगाती हूँ सामने की तरफ से, थोड़ा सा दूर करते हैं इसको ताकि आप लोगों को दिखे। और ये है फेशियल किट, गोल फेशियल किट है, जो कि नॉर्मल स्किन वालों के लिए है, और इसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ अभी। तो इसमें आपको कितने मिलते हैं, 5 स्टेप आपको मिलते हैं इस पर, देख रहे हो आप, 5 स्टेप मिलते हैं। और इसको स्टार्ट करेंगे हम, सबसे फर्स्ट हम पहला स्टेप से स्टार्ट करेंगे ये वाले से। सो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए खोल के स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम वॉइस ओवर में बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे करते हुए मैं बोलूँगी तो माइक भीग जाएगा और माइक ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए वॉइस ओवर में बोलूँगी। सो सबसे पहला स्टेप है क्लिनजिंग। तो फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं क्लिनजिंग मिल्क अप्लाई कर रही हूँ, और अप्लाई करने के बाद उसको अच्छे से मसाज करते हो, मतलब मसाज एकदम दबा के नहीं करना है क्लिनजिंग में। लेकिन क्लिनजिंग ये है कि आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि आईज एरिया वगैरह आप छोड़ दो, आप पूरे फेस पे क्लिनजिंग अप्लाई कर सकते हो। सो क्लिनजिंग मैं पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा पानी लूँगी लगाने के बाद, क्योंकि आप ये देख सकते हो ना, ये बहुत ज़्यादा सूखा सूखा टाइप का है, तो इसीलिए आपको ना क्लिनजिंग मिल्क लगानी है, उसके बाद थोड़े से हाथ में पानी लेना है और इसी तरीके से मसाज करते जाना है। देखिए, आप इसी तरीके से 3 मिनट तक मसाज कीजिए, और देखिए मैं भी कर रही हूँ मसाज, और आप लोग देखते रहिए, ठीक है। क्लिनजिंग से क्या होगा ना, आपके फेस में जो भी गंदगी है, जो भी मेकअप वगैरह आपने अप्लाई किया है, या फिर जो भी डस्ट वगैरह है, वो सबको ये क्लीन करेगा। तो फेशियल का ये स्टेप सबसे पहला होता है कि क्लिनजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने क्लिनजिंग अप्लाई कर लिया है और मैं क्लिनजिंग करती जा रही हूँ। 3 से 4 मिनट तक आपको इसी तरीके से मसाज कर सकते हैं, 3 से 5, या फिर आप 5 मिनट करो या फिर 3 मिनट करो। उसके बाद जब आपका हो जाए और अच्छे से, तो फिर आप एक जैसे कि रुमाल लो, टावल एक लो और क्लीन कर लो। तो मैं इसी तरीके से क्लीन करो, बहुत अच्छे से क्लीन करना, अपने आईज एरिया वगैरह देख के अच्छे से क्लीन करना। आप लोग भी, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और अगर स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखना है, मैंने इसमें भी अच्छे से ही बताया स्टेप, बट बहुत मतलब स्टेप डिटेलिंग में नहीं बताया, इसका रिज़ल्ट भी देखना है। और ये मैंने ये वाला फेशियल किट कभी अप्लाई नहीं किया था, ये ड्राई स्किन वालों के लिए है, तो मेरा ड्राई स्किन है तो इसीलिए करी थी। तो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, और अभी थोड़ा सा ना जो ये बैन है उसको लगा लिया था। अब देख रहे हैं, ये है स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 जो है वो है स्क्रब, और ये आर्गन ऑयल वाला गोल्ड फेशियल किट है, जो कि है ड्राई स्किन वालों के लिए। तो मैं अप्लाई कर रही हूँ इस, जो क्या बोलते हैं, स्क्रब जो रहता है ना, स्क्रब को आपको आईज़ एरिया से दूर रखना है, आईज़ से दूर रखना है, बस आप नोज़, फोरहेड, बाकी सब में करो, जैसे कि आप मास्क लगाते हो ना, उसी तरीके से इसको भी अलग रखना है अपने आईज़ एरिया से। सो अब मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा पानी लेना है, और फिर इसको इसी तरीके से देखिए स्क्रब करना है, बिल्कुल आईज से दूर रखना है। आप ध्यान से देखिएगा, या फिर आप वीडियो को स्लो मो में भी कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे फीचर है 0.25, सो आप वीडियो को स्लो मो में करके भी देख सकते हैं। आपको नोज़ एरिया पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं ना, वो नोज़ एरिया में ही ज़्यादा होते हैं। और जब भी आप स्क्रब करो, थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी लेकर ही करो, तो जो भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रहेंगे ना, वो मतलब थोड़ा क्या बोलता है,
निकलने लगेंगे, क्योंकि थोड़ा गुनगुना पानी रहता है तो गुनगुना पानी से क्या होता है कि वो जमते हैं, फूल जाते हैं, तो इसीलिए। या फिर आप ना कोई भी मतलब कॉटन पैड में एक गुनगुना पानी लेकर गर्म पानी लगा के अपने नोज़ एरिया में लगा सकते हो। सो तीन से चार मिनट हो, पाँच चार मिनट हो जाने के बाद मैं इसको अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। अगर आपके पिंपल्स है तो आप पिंपल्स वाले जगह पे बिल्कुल भी स्क्रब यूज़ मत करना। सो ये देखिए मैंने अच्छे से पोंछ लिया। अब हम करेंगे ब्लैकहेड्स रिमूव। तो मैं इस तरीके से ब्लैकहेड्स रिमूव कर रही हूँ, पर खुद से ब्लैकहेड्स नहीं निकलते अच्छी तरीके से, आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं खुद से निकाल रही हूँ, मेरा उतना ज़्यादा ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स नहीं है, बहुत कम है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ निकाल के। अगर आप निकालो तो इस तरीके से निकाल सकते हो। सो मेरे सर पे भी थोड़ा पिंपल, अभी ना जैसा गर्मी पड़ा हुआ है तो पिंपल बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं ना, तो मेरा पिंपल का तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा बहुत होते हैं पिंपल। ऊपर से मसे भी हो रखे हैं फेस पे, तो मसा तो निकलता ही नहीं किसी भी कीमत पे। तो अब मैंने जब मैंने निकाल लिया जो भी मेरे ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स थे, तो फिर मैंने फेस को ना अच्छे से पोंछ लिया। अब स्टेप नंबर थ्री जो है वो है टोनर। इसका जो टेक्सचर है ना वो है जेल टाइप का, और उसमें थोड़े थोड़े गोल्ड के पार्टिकल्स है, तो इसको लगा के भी आपको जेंटली 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करना है। और इसके स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था स्मेल। आपको इसको लगा के 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करना, 3 से 4 मिनट के लिए मसाज करना है, हल्के हाथों से मसाज करना है इसको लगा के। और उसके बाद जब हो जाए तो फिर आपको अपने फेस को क्लीन कर लेना है। तो ये देखिए इसका टेक्सचर कुछ ऐसा था, मैंने आपको दिखाया। और मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि ये देखिए ये टोनर है, तो यही टोनर को मैं अप्लाई कर रही हूँ। सो अप्लाई कर रही हूँ इसी तरीके से, हल्के हाथों से, ज़्यादा मसाज करना नहीं है टोनर में, बिल्कुल हल्का हल्का मसाज करना है। जो भी मेन मसाज वाली जो रहती है वो होता है क्रीम, तो क्रीम इसके बाद है, तो मैं क्रीम दिखाऊंगी। सो ये देखिए मैंने हो गया था 4 मिनट, 4 मिनट बाद अब मैं पोंछ ले रही हूँ। आपको इतना जल्दी वीडियो इसीलिए दिख रहा होगा क्योंकि मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके रखा हुआ है। सो मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ अपने फेस को। और ये है स्टेप नंबर 4, जो कि ये सबसे मेन है, क्रीम। क्रीम सबसे ज़्यादा मेन होता है फेशियल में, आपको भी पता है, क्योंकि क्रीम ही है जो चेहरे को, मतलब अगर आप गलत मसाज करोगे तो आपका फेस नीचे की तरफ झूल जाएगा, यानी कि झुर्रियाँ पड़ने लगेगी। तो आपको हमेशा अपर डायरेक्शन में मसाज करना है, या इवन आप क्रीम वगैरह भी लगाते हो तो हमेशा अपर डायरेक्शन में लगाना है। तो मैं अपर डायरेक्शन में अच्छे से मसाज करी हूँ, आप देख रहे हैं इस तरीके से मसाज करी हूँ। मसाज का जो स्टेप है वो मैंने एक वीडियो है जिसमें बताया हुआ है, मैं आई बटन में उसको मेंशन कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। इस पे मैं नाम नहीं बता रही हूँ क्योंकि एक वीडियो में बताया हुआ है, अगर आप बोलोगे मुझे, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको नाम भी बता दूँगी, और स्टेप बाय स्टेप अलग से एक वीडियो में बता दूँगी। तो इसी तरीके से हमें 12 से 15 मिनट तक मसाज करना है, उसमें लिखा हुआ है 12 से 15 मिनट, या फिर 15 से 20 मिनट भी आप कर सकते हो, पर इवन 15 मिनट काफ़ी है। जब मैं 15 मिनट तक मसाज करी हूँ, अब मैं इतना स्पीड आपको इसीलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ना वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके रखा हुआ है। 5 मिनट मसाज करते करते हो गए थे, तो मैंने इसीलिए आपको कहा था कि 10 मिनट बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी कैमरे में, क्योंकि वो सही रहेगा, क्योंकि इतना देर तक मैं मसाज करते हुए आपको नहीं दिखा सकती, आप भी बोर हो जाएंगे, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रही थी। तो इवन 15 मिनट तक का मसाज हो गया मेरे फेस में, अब हम इसको कर रहे हैं क्लीन। तो इसी तरीके से आपको, हाँ और एक बात है, स्क्रब के बाद आपको पानी चेंज करना है, जो आप बाउल में पानी लिए हो ना उसको चेंज करते रहना है, स्क्रब के बाद चेंज करना है, उसके बाद जब आप क्रीम अप्लाई कर लो उसके बाद चेंज करना है, तो 3 बार तो आपको पानी चेंज करना ही है, वाटर चेंज करना है। तो मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया। और फिर अगर आपके आईज़ जल रहे हो, सबसे मेन होता है कि हम फेशियल करते तो पूरे फेस में अप्लाई करते क्रीम, तो आईज़ जलते हैं, तो आपके पास अगर मतलब स्प्रे बोतल है तो आप आईज़ पे उस पानी को स्प्रे करके निकाल सकते हो। अगर नहीं भी है तो फिर आपके पास नॉर्मल वाटर से आप आँख में स्प्रे करो और हैंकी से पोंछ लो, तो इससे ना आपकी आँख की जलन कम हो जाएगी, क्योंकि मेरी आँखों में जलन हो रहा था। तो अब है स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 है पैक। तो पैक लगाना है, तो पैक ना बहुत सूखा सूखा था, तो उसमें थोड़ा सा पानी हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा पानी अप्लाई किया, एंड देन उसके बाद देखिए पूरे फेस पे ये लग गया है, लगा रही हूँ पूरे फेस पे।
सो पूरे फेस पे अच्छे तरीके से अप्लाई करने के बाद हम 15 मिनट वेट करेंगे, 15 to 20 मिनट, उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो 15 मिनट रुकते हैं, मैंने दिखा दिया आपको कि हमने 5 मिनट अब सूख चुका है बिल्कुल अच्छे से। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा स्प्रे छीट कर लिया, क्योंकि ना आपको अगर आप कोई भी मास्क लगाते हो तो उसको डायरेक्ट आपको सूखे में ही उसको नहीं उतारना है, थोड़ा सा स्प्रे करके मसाज करते हुए ही आपको उसको उतारना है। तो मैंने स्प्रे करके मसाज करते हुए उतार रही हूँ और फिर मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ टॉवल से, आपको पता ही है। तो फिर अब इस तो मेरा फेसियल कंप्लीट हो चुका है, अब हम एप्रोन को निकाल लेते हैं और फिर अभी और क्या लगाऊंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फेस को लेंगे अच्छे से। तो अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये सीरम ऑयल है, ऑयल 3 to 4 ड्रॉप्स ले रही हूँ और अप्लाई कर रही हूँ। सो आप लोगों को ग्लो तो दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा ग्लो आया है, मुझे अच्छा लगा। बट हाँ, अभी हम सकते हो कैसा हुआ है, अब ये अभी तो नहीं बता सकते, अभी 3 दिन वेट करेंगे। जैसे कि बकरी ईद है वेडनेसडे बुध को है बकरी, तो बुध तक शायद बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाएगा, आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन जब आप फेशियल कर लो तो आपको 3 दिन तक फेस वॉश यूज़ नहीं करना, या फिर कोई भी फेस पैक यूज़ नहीं करना है, या फिर कोई भी ऐसी क्रीम मत यूज़ कीजिए। बाकी आप सनस्क्रीन डेली यूज़ कीजिए, आपका जो नॉर्मल क्रीम है वो यूज़ कीजिए, बट फेस वॉश बिल्कुल यूज़ नहीं करना है आपको। क्योंकि अगर आप फेस वॉश यूज करोगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा फेशियल का, फेशियल आपका धुल जाएगा और आपके फेस नॉर्मल सा हो जाएगा, वैसे ही जैसा होता है। तो कुछ लोगों का ऐसा ही होता है कि जब वो फेशियल कर लेते हैं उसके बाद फेस वॉश कर लेते हैं, इसीलिए ग्लो जो होता है ना, ग्लो वो नहीं दिखता है। तो इसके लिए आपको ये करना है कि फेशियल करने के बाद फेस वॉश बिल्कुल भी नहीं करना है आपको 3 दिन तक आपको फेशियल बिल्कुल भी नहीं करना है, और 3 दिन तक आपको मेकअप भी नहीं करना है, मेकअप भी मत कीजिएगा 3 दिन तक। कहीं जाना नहीं है तो मेकअप वगैरह ज़्यादा कहीं नहीं कीजिएगा। अगर आप हमारे मेरे तरह नॉर्मल ज़्यादा रहते हो, ज़्यादा मेकअप नहीं करते हो तो ठीक है, मैं मेकअप करती हूँ, वीडियोज़ बनाने के लिए करती हूँ, पर अभी 3 दिन तक मैं कोई मेकअप नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा जो वीडियो है विदाउट मेकअप भी चल जाता है, मैं चला लेती हूँ। तो आपको भी उसी तरीके से 3 दिन तक मेकअप नहीं करना है जब आप फेशियल करोगे। तो मैं आपको प्रेफर यही करूँगी कि आप पार्लर जाकर ही फेशियल करवाओ, क्योंकि जो फेस का जो मसाज होता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप पार्लर जाके करवाओ, क्योंकि वही होता है जिससे आपके फेस में बहुत अच्छा ग्लो आता है, जो फेशियल का जो मसाज होता है वही। बाकी अगर आपको आता है और आप कर सकते हो तो इज़ बेस्ट, ये अच्छा है कि आप कर लो अपने घर पे, पर अगर आपको नहीं आता है, आप नहीं कर सकते, तो आप पार्लर जाकर ही करवाओ, या फिर जिसको आता है उससे करवा लो, ये ठीक रहता है। बट घर पे ज़्यादा ट्राई मत करो, क्योंकि ना फेशियल का जो मसाज वाला स्टेप होता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको अगर आप लोअर डायरेक्शन में कर दिए ना, तो आपका जो फेस है वो झूल सकता है, झुर्रियाँ आ सकती हैं, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए फेशियल हमेशा पार्लर जाके ही करवाइए, या फिर अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें और खैर खैरियत से रहें।